जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल देवता, जो अभी 5 फरवरी 2024 को शाम को 9:56 तक धनु राशि में विराजमान थे। वो मंगल देवता जो बृहस्पति देवता के साथ राशि परिवर्तन का योग बना रहे थे, अब वो 5:56 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और मकर राशि में जाते ही वो उच्च के हो जाते हैं, यानी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में अच्छे होके बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में वो अच्छे होके बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि वो अब उच्च के हो गए हैं तो ज्यादा आशीर्वाद देंगे, बड़ा आशीर्वाद देंगे, ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले बनेंगे। मंगल देवता जो देवताओं के सेनापति हैं, जो हमारे खून के कारक हैं, हमारे लिए तो वैसे पुलिस फोर्स, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, नेवी वाले, या फिर रेलवे कर्मचारी ही क्यों ना हो, या फिर सिक्योरिटी गार्ड क्यों ही क्यों ना हो, वो सब मंगल देवता से रिलेटेड है। जो भी सुरक्षा कर्मचारी हैं, वो सभी प्रकार के सुरक्षा कर्मचारी मंगल देवता को रिलेट करते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट के सारे लोग मंगल देवता के अधीन ही आते हैं। जितने भी हमारे रेस्टोरेंट या फूड जॉइंट्स हैं, वो सभी भी मंगल के कारण ही होते हैं, तो वहां पर मंगल का शुभ होना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे सभी लोगों के लिए। तो ये देवताओं के सेनापति, हमारे बाहुबल भी हम कह सकते हैं, हमारी भुजाओं की ताकत भी मंगल की वजह से ही होती है, हमारी जो मांसपेशियों की ताकत है वो भी, उसके कारक भी मंगल देवता होते हैं, हमारे ब्लड के कारक भी मंगल देवता होते हैं। अब ये जब उच्च के हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अद्भुत और बेहतरीन फल प्रदान करेंगे हमारे और आप सबके जीवन में। तो जिस समय मंगल देवता धनु राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय जो आसमान की स्थिति है, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं कि आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है। तो केतु महाराज उस समय पर बुध राशि में विराजमान थे, वो कन्या राशि में, और आसमान में कन्या राशि का ही उदय हो रहा था। चंद्र देवता वृश्चिक राशि में नीच के होकर विराजमान है, शुक्र देवता धनु राशि में विराजमान है, देव गुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है, मंगल देवता जैसा मैंने बताया मकर राशि में विराजमान हो गए हैं, सूर्य देव पहले से ही बुध देवता के साथ मकर राशि में ही विराजमान है, शनि देवता कुंभ राशि में विराजमान है, राहु महाराज मीन राशि में विराजमान है, देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान है, और यहां बैठकर ये सभी ग्रह अपने अपने शुभ फल या अशुभ फल आप और हम सबकी जिंदगी में प्रदान कर रहे होते हैं। तो इनका मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में क्या क्या शुभ या अशुभ फल मिलेगा, क्या क्या शुभता और अशुभता प्राप्त होगी, उसकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले, उससे पहले मैं गुरु रजनीश ऋषि स्वामी राज ऋषि के साथ शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आप सभी लोगों के समक्ष ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, इसलिए इसे अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यह वीडियो भगवान शनिदेव की शनि पीठ से निकलता है, भगवान शनिदेव सामने साक्षी हैं, तो वो भगवान शनिदेव जो अपने दिव्य स्वरूप में हाथी पर सवार हैं, हाथी के ऊपर पालती मारकर बैठे हुए हैं इस शनि पीठ पर,
ऐसी भव्यता और दिव्यता वाले भगवान शनिदेव के चैनल को सब्सक्राइब करने से निश्चित रूप से आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपको जो भी जानकारी दी जाएगी हमारी तरफ से बेस्ट और सटीक जानकारी देने का शास्त्रों के अनुसार प्रयत्न किया गया है। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि है, मैं हरियाणा से हूँ और मेरा जो मेरे पति के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था, मैं YouTube देखती थी तो मैंने एक दिन किसी जी का वीडियो देखा कि मैंने उसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद गुरुजी ने मुझे एक लॉकेट भेजा, लॉकेट पहनना शुरू किया और गुरुजी के बताए उपाय मैंने किए, सब कुछ ठीक हो गया। बात करूंगा मैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रहों का जो तिकड़ी बनेगी वो आपके सप्तम भाव में बनेगी और मंगल देवता का यहां आना, सूर्य देव का यहां बैठा होना, बुद्ध देवता का यहां होना निश्चित रूप से आपके जीवन साथी की वजह से आपको व्यापार में, नौकरी में, रेस्टोरेंट के बिजनेस में, प्रॉपर्टी में या वाहन की खरीद में लाभ प्रदान कर सकता है। तो इतनी सारी शुभ सूचनाएं लेकर आए हुए मंगल देवता, साथ में जरूरत पड़ने पर सरकार में मंत्री पद, एमपी, एमएलए, काउंसलर का टिकट, इन सबको प्राप्त करने में भी आपको मदद मिलती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब चाहे प्रॉपर्टी लो, चाहे वाहन लो, चाहे व्यापार की में नित्य नई ऊंचाइयां लो या फिर सरकार में नौकरी ले लो, तो ये सबके लिए तो हेल्प करने आए हुए हैं, तो इस समय का लाभ उठाइएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, आप लग रहा है कि आपके साथ तो परेशानियां ही परेशानियां बढ़ रही हैं, खुशियां तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, नई नई परेशानियां आ रही हैं और आपको परेशान कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, पहले तो इन नंबरों को शनिपीठ मंदिर के नाम से, स्वामी राज ऋषि के नाम से या गुरु जी के नाम से सेव कर लीजिए और एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए ताकि आप हम में से किसी से फेस टू फेस, वन टू वन तसल्ली से बात कर सकें, अपनी परेशानियों के बारे में चर्चा कर सकें और उन परेशानियों को दूर करने के लिए छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय घर बैठे ही हमारे मंदिर से प्राप्त कर सकें अगर जरूरत है तो। अपने साइज के हिसाब से कोई रतन की अंगूठी या रतन का लॉकेट जो आपको जरूरत है आपके ग्रहों के अनुसार उनको प्राप्त कर सकें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है या आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो शास्त्रों के अनुसार आपका चेहरा देखकर आपकी परेशानियों और प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपकी सेम वे में मदद की जा सकती है। और अगर आप यहाँ स्वयं चलकर आना चाहें शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, भगवान शनिदेव के दिव्य स्वरूप के दर्शन करिए, जहाँ वो हाथी के ऊपर विराजमान है, वो भी पालती मार कर बैठे हुए, ऐसे दिव्य स्वरूप के अद्भुत दर्शन करने का सौभाग्य भगवान शनिदेव बहुत गिने चुने लोगों को देते हैं। 133 देशों के देशी विदेशी लोग भी जब भगवान बुलाते हैं तो यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। आप देखा होगा वीडियो में बहुत सारे फॉरनर्स आते हैं क्योंकि भगवान उन्हें स्पेशली बुलाते हैं, जब उनकी मदद करनी होती है तो स्पेशली बुला के बुला लेते हैं, उनके मन में प्रेरणा देते हैं, वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो आप स्वयं भी आ सकते हैं अगर भगवान शनिदेव आपको बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे तो वीडियो कॉल पर तो हम आपकी मदद करेंगे ही करेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित, जागृत किए गए रत्नों से संबंधित उपाय आपको बेहद लाभ प्रदान करेंगे। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही आपको हमारा आदेश है गुरु के नाते कि जब भी कोई व्यक्ति परेशान हो उसे हमारी शनिपीठ के मोबाइल नंबर देना बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे वो आपका दोस्त हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि आप अगर उसका भला करेंगे तो भगवान शनिदेव आपकी मदद को स्वयं दौड़े चले आएंगे। जय शनिदेव।